हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम कॉलिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेड दिसंबर 2021 के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे सो फ्रेंड सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है कुछ लोगों को डाउट है कि 2021 के सिलेबस में चेंज हो गया है तो एस सच कोई चेंज नहीं हुआ है और एक चीज़ और ये एग्जाम होंगे 16 दिसंबर 2021 से 30 जनवरी 2021 तक ओके सो so, रही बात एग्जाम पैटर्न की तो बता दूं मैं आपको ये एग्जाम जो है ऑनलाइन होंगे सो so, अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है आपको नीड है प्रैक्टिस की ओके सो तो ये प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे उसके लिए आप सी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं आप उन पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको कहीं और खर्चा करने की नीड नहीं है आप सी की वेबसाइट पर जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए ओके सो तो बात करते हैं सी के पेपर फर्स्ट की सो so, इसको क्वालिफ़ाई करने के बाद आप क्लास वन से फाइव के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इसमें हम बात करते हैं सिक्स टू टेन ईयर के बच्चे की सिक्स टू टेन ईयर के बच्चे के बारे में स्टडी करते हैं और मार्क्स जो है वन फिफ्टी मार्क्स का होता है पेपर टाइम मिलता है आपको टू पॉइंट फाइव आवर मीन्स वन फिफ्टी मिनट्स नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है एंड जो पेपर है एम सी क्यू बेस्ड होता है मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन चूज करना होगा एक आंसर चूज करना होगा ठीक है अब मैं पासिंग मार्क्स के बारे में बता दूं जो यू आर कैटेगरी है उसको नाइन्टी परसेंट लाने होंगे तभी उनको क्वालिफाइड माना जाएगा और एस सी ओ बी सी को एट्टी एट्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट ओके एंड आपको 150 फिफ्टी एटलीस्ट वन का टारगेट बना के चलना होगा तब आप आपका बेड़ा पार होगा मैं तो बोलूँगी ठीक है सो so, बात करते हैं इसमें इसमें फ्रेंड्स फाइव सब्जेक्ट्स आते हैं सो फर्स्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट सब्जेक्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी मीन्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसमें आएँगे हमारे थर्टी क्वेश्चन ओके एंड सेकेंड इज़ लैंग्वेज फर्स्ट सो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश में चूज़ करना होता है सो आई वुड सजेस्ट कि आप हिंदी चूज करें लैंग्वेज फ़र्स्ट में बहुत सारे लोग इंग्लिश को चूज़ कर लेते हैं तो उसमें जो डिफ़िकल्टी uh, लेवल है थोड़ा ज़्यादा होता है होता है उसको सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट रखें और लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश को चूज कर लें ओके okay? अब लैंग्वेज फर्स्ट में क्या होगा कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका पंद्रह नंबर का और पैडागोजी के क्वेश्चन आएंगे पंद्रह नंबर के ठीक है लैंग्वेज सेकेंड आपने आपको जैसा मैंने सजेस्ट किया है इसमें भी हिंदी और इंग्लिश आएगा बट आपको मैंने सजेस्ट किया आप लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश को ही चूज़ करें इसमें कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका पैसेज पंद्रह नंबर का और पंद्रह नंबर का आपका पैडोलॉजी ठीक है फिर आएगा मैथमेटिक्स मैथ Math, में फ्रेंड्स डरने की बात नहीं है ये इजी होता है बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आता है क्लास थर्ड टू फाइव का ठीक है सो so, इसमें भी फिफ्टी मार्क्स के आएंगे आपके क्वेश्चन मैथ्स के और पैडागोजी के फिफ्टीन मार्क्स के ओके okay? अब बात करते हैं ईवीएस की ईवीएस में आपके थर्टी क्वेश्चन आएंगे पैडागोजी से रिलेटेड फिफ्टीन एंड फिफ्टीन आपके ईवीएस से रिलेटेड ठीक है कंटेंट होगा तो इसमें भी फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगी आपको एन की जो बुक है वो आप ले आइए उसको पढ़ लीजिए बस क्लास थर्ड टू फिफ्थ की या फिर आप समरी पढ़ लीजिए एनसीआर बुक की थ्री टू फाइव की ओके सेकेंड की पेपर सेकेंड में कोई बहुत खास चेंज नहीं है बस इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी पे आ जाते हैं और इसमें हम बात करते हैं क्लास सिक्स टू एट के बच्चों की और uh, आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास सिक्स टू एट के बच्चों को पढ़ाने के लिए और इसमें जो uh, पूछा जाता है वो क्लास सिक्स टू एट के सिलेबस uh, से ही पूछा जाता है और बात करते हैं हम इसमें एलेवन टू फोर्टीन ईयर के स्टूडेंट्स की ओके मीन्स चिल्ड्रेंस की मार्क्स वही हमारे वन फिफ्टी मार्क्स का ये भी पेपर होगा टाइम आपको उतना ही मिलेगा वन फिफ्टी मिनट नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें एम सी क्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे ओके इसमें भी जो फर्स्ट पेपर है वो आपका होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडगोगी ओके सो so, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र थर्टी क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज फर्स्ट में भी थर्टी क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर की तरह फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन एंड फिफ्टीन मार्क्स का फिफ्टीन uh, मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन एंड फिफ्टीन मार्क्स का आपका पैड़ागोजी बस इसमें चेंज ये होगा आपका डिफिकल्टी लेवल जैसे मैंने बताया कि वो प्राइमरी लेवल के लिए और ये सेकेंडरी लेवल के लिए है, ठीक है अब लैंग्वेज सेकेंड और इसमें भी वही करना है जैसा कि मैंने फर्स्ट पेपर में सजेस्ट किया है कि लैंग्वेज फर्स्ट को आप हिंदी रखें तो ज़्यादा बेटर है लैंग्वेज सेकेंड में आप इंग्लिश को चूज़ करें तो थर्टी क्वेश्चन आपके वो इंग्लिश के पैसेज से आ जाएंगे फिफ्टीन क्वेश्चन और पैडागोजी से आ जाएंगे फिफ्टीन क्वेश्चन ओके अब यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है सेकेंड पेपर में जो कि है सब्जेक्ट्स अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस का पेपर देखने को मिलेगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस पूछी जाएगी आपसे ओके सो so, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो इसमें क्या होगा मैथमेटिक्स के थर्टी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि मैथ्स के क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी और पैडागोजी के होंगे टेन मार्क्स के ओके और साइंस के होंगे थर्टी क्वेश्चन मीन्स ट्वेंटी क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और उसी से रिलेटेड पैडागोलॉजिकल इशूज होंगे ओके और अगर आप आर्ट स्ट्रीम से है आपने सोशल स्टडीज चूज किया है तो फोर्टी क्वेश्चन के आपके आएंगे कॉन्टेंट से सोशल स्टडीज के हिस्ट्री आएगी जोग्राफी आएगी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से आएगा और ट्वेंटी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पैडालॉजिकल इशूज से ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग